नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार यदुवंशी आज एक नई अपडेट के साथ। आज हम देखेंगे भारत के कुछ प्रमुख नगरों के बारे में और उनके संस्थापक का नाम तथा उस नगर की स्थापना कब हुई और उस नगर के बारे में विशेष क्या है, कुछ खास जानकारी हम सब विस्तार से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। जैसे कि पहला नगर है कोलकाता। कोलकाता की स्थापना जो किया था, यानी कि संस्थापक है इसके कौन है, जाप चारनाक, आपने ऊपर देख रहे होंगे जाप चारनाक इसके कौन है, संस्थापक है। अब हम देखते हैं इस कोलकाता के बारे में कुछ विशेष क्या है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कोलकाता, जिसे दोस्तों कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता था, तो चलिए देखते हैं क्या है। पश्चिम बंगाल का राजधानी शहर है और भारत में है। बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता, बंगाली नाम यानी कि इसका इस तरह से लिखा जाता है और इसका पूर्व नाम था कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये है कलकत्ता की खासियत क्या है कि पहला नंबर तो कलकत्ता जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है और इसकी एक खास बात ये है कोलकाता की कि ये पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपसे ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है, या फिर तो उसमें आपको उस नाम को लिखना होगा, बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है तो पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह आप लगाएंगे कलकत्ता पर, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या 2,21,00,000 है। इस शहर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसके आधुनिक स्वरूप का विकास अंग्रेजों एवं फ्रांस के उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़ा है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुई है। भारत के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रारंभिक केंद्र बिंदु के रूप में पहचान मिली है, वहीं दूसरी ओर इसे भारत में साम्यवाद आंदोलन के गढ़ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन गया, ध्यान दीजिएगा, क्या महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। आपको ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, किसको, कोलकाता को, मुंबई को, और दो ऑप्शन दे दिया गया इलाहाबाद, दिल्ली, तो आप क्या लगाएंगे कोलकाता, ठीक है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। ये है यहाँ की कुछ विशेष तस्वीर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोलकाता के बारे में हम आपको कुछ विस्तार से दिखा रहे हैं, तो पूरा दिखाई देते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल का क्या है, मतलब कि एक भाग है, पश्चिम बंगाल में है। जिला क्या नाम है, कोलकाता नाम है। जनसंख्या यहाँ की 2011 के अनुसार जो थी शहर में वो थी 44,96,694, और महानगर में जो थी वो क्या थी, 1,41,12,536। समय मंडल इसका है IST UTC +5 और ये 30, यही हमारे यहाँ का टाइम लगता है। आप देखते होंगे अगर आप मोबाइल में समय सेट करते हैं तो आपको ऐसे दिखता होगा कोलकाता 5.30, आप इसी पर सेट करते हैं तो हमारे इंडिया का राइट टाइम सेट होता है। अगर आप दूसरा कुछ सेट कर देंगे तो कहीं का टाइम और भी सेट हो जाता है, जो कि गलत होता है, ठीक है। तो ये थी कोलकाता के बारे में कुछ विशेष जानकारी। तो दोस्तों आपने देखा, हम इसी तरह से आपको प्रमुख नगरों के बारे में विस्तार से बताएंगे, सब के बारे में नहीं बताएंगे। अगला हमारा नगर है मुंबई। मुंबई भी भारत में एक खास मायने रखता है। मुंबई भारत का एक, कहा जाए तो इसको कलाकारों की नगरी भी कहा जाता है, माया नगरी भी कहा जाता है, तो मुंबई को माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अगर आपको कहीं ऑप्शन में मिलता है, क्वेश्चन आपको मिलता है कि माया नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या लगाएंगे, मुंबई, ठीक है। इसकी स्थापना जो किया था, संस्थापक कौन था, वो थे ओनाल्ड आगिजार, ये आप देख रहे हैं। हम मुंबई के बारे में आपको कुछ विशेष दिखाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मुंबई जो है वो क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी है और एक जिला है, ठीक है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित मुंबई, पूर्व नाम इसका था बंबई, भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 3,21,00,000 है, जो देश की पहली सर्वाधिक आबादी वाली नगरी है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है एवं
यह पुल द्वारा प्रमुख भूखंड के साथ जुड़ा हुआ है। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है कहाँ का? मुंबई दे दिया, कलकत्ता दे दिया, केरल कर्नाटक दे दिया, तो आप क्या लगाएंगे? मुंबई। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मुंबई का तट कटा फटा है जिसके कारण इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जल मार्ग व वायु मार्ग से आने वाले जहाज यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई में ही आते हैं, इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देखिए ये भी एक आपको क्वेश्चन मिल गया, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, मुंबई को, कलकत्ता को, केरल को, यूपी को, तो आप क्या लगाएंगे? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिला हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है मुंबई की कुछ विशेष तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, इस वीडियो में। मुंबई जो है कहाँ क्या है दोस्तों, ये देश भारत का एक भाग है और राज्य है मुंबई भारत का, और मुंबई जो है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, मतलब कि MH के अंतर्गत। और मुंबई जो है ये क्या उपनगर, यहाँ की जो जनसंख्या दोस्तों, शहरी जनसंख्या मुंबई की, वो शहर की केवल जनसंख्या थी 1,24,42,373, और जो यहाँ की महानगर की जनसंख्या थी वो 1,84,14,288। ये आंकड़े आपको 2011 के हैं, इस समय ये सभी जनसंख्याएं लगभग 7 साल हो गया, बढ़कर के कई गुना ज्यादा हो गई होंगी। तो दोस्तों ये आपका कुछ मुंबई के बारे में विशेष था। थोड़ा सा और देख लेते हैं। मुंबई भारत का सर्ववृहत्तम वाणिज्यिक केंद्र है जिसकी भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 5% की भागीदारी है। यह संपूर्ण भारत के औद्योगिक उत्पाद का 25%, नौवाहन व्यापार का 40% एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के पूंजी लेन देन का 70% भागीदार है। मुंबई विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। भारत के अधिकांश बैंक एवं सौदागरी कार्यालय के प्रमुख कार्यालय एवं कई महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं भारतीय कंपनियों के निगमित मुख्यालय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुंबई में अवस्थित हैं। कहने का मतलब जो भारत के प्रमुख केंद्र हैं, भारत की जो जान है, वो सभी मुंबई में स्थित हैं। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह, आप देखेंगे बड़ी बैंकों के जो मुख्यालय हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी मुख्यालय देखेंगे आप तो मुंबई में स्थित है। मतलब कहने का जो बड़ी बड़ी जो काम होते हैं, बड़े बड़े जो कार्यालय हैं, बड़ी बड़ी जो ऑफिसें हैं, उनका मुख्य कार्यालय मुंबई में ही स्थित है, और इसलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। नगर में भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी है जो बॉलीवुड नाम से प्रसिद्ध है। मुंबई की व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी एवं उच्च जीवन स्तर पूरे भारत वर्ष भर के लोगों को आकर्षित करती है, जिसके कारण यह नगर विभिन्न समाजों एवं संस्कृतियों का मिश्रण बन गया है। मुंबई पत्तन भारत के लगभग आधे समुद्र जल की आवाजाही करता है। ठीक है, तो ये थे मुंबई के बारे में कुछ विशेष तथ्य। अगला है दोस्तों भोपाल। भोपाल के बारे में कुछ विशेष हम आपको नहीं बताने वाले हैं। भोपाल की स्थापना राजा भोज ने किया था और इसी के नाम पर, मतलब कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम भोपाल रखा गया। अगला है नई दिल्ली। नई दिल्ली हमारे भारत का एक विशेष बोले तो भाग है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कुछ जानकारी थोड़ी सी, चलिए देख लेते हैं। और इसकी स्थापना किया था एडविन लुटेंस ने। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि मुंबई और कोलकाता जैसे हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल, मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन जो हमारी ये नई दिल्ली है दोस्तों, ये किसी राज्य की नहीं बल्कि हमारे प्यारे इंडिया की राजधानी है, यानी भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली कुछ भारत अपने में अलग है, कुछ विशेष है, आइए देखते हैं नई दिल्ली के बारे में। नई दिल्ली भारत का क्या है, एक मतलब की राजधानी है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। नई दिल्ली दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है और यह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के 11 जिलों में से एक है। भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता, अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है,
मतलब कि 1911 तक भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। 1911 में दिल्ली को यानी नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि नई दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यह देश के लिए उत्तर में है, यह देश के उत्तर में है और यहाँ के से शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। इस पर विचार करने के बाद अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को नई दिल्ली ले जाने पर विचार किया और नई दिल्ली ले जाने के लिए आदेश दे दिया। और आगे देखते हैं, तब से भारत की राजधानी को नई दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, ये है नई दिल्ली के कुछ विशेष पिक्चर जो आप देख रहे हैं उत्तरी ब्लॉक के, और ये उसका आपको दिख रहा है कुछ स्पेशल। यहाँ से आप देख सकते हैं दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिला नई दिल्ली। 1911 में इसको नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। और दोस्तों आगे देखें तो उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए ये पुराने डेटा हो सकते हैं, जब आप वीडियो देखें हो सकता है उस समय मुख्यमंत्री कोई और हो, तो आपको अभी हम दिखाएंगे ये कब का रिकॉर्ड है, आप देखिएगा ध्यान से। जनसंख्या जो है यहाँ की कितना है 2011 तक ध्यान से देखिएगा, तो 249,998 थी, और घनत्व जो है वो 5854.7 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। महानगर 13 है, क्षेत्रफल जो है 42.7 वर्ग किलोमीटर है, और ऊंचाई यहाँ जो समुद्र तट से है वो कितना है 216 फीट। दोस्तों यहाँ का जो पिन कोड दूरभाष नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हम आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको और बता देते हैं इसमें दिल्ली के बारे में। ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2011 में दिल्ली महानगर की जनसंख्या 22 लाख थी। दिल्ली की जनसंख्या उसे दुनिया में पांचवीं सबसे अधिक आबादी वाला और भारत का सबसे बड़ा महानगर बनाती है। क्षेत्रफल के अनुसार भी दिल्ली दुनिया के बड़े महानगरों में से एक है। मुंबई के बाद वह भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर है। यानी भारत का सबसे अमीर शहर कौन है? मुंबई। अगर आपको कहीं ऑप्शन में मिलता है, क्वेश्चन मिलता है कि भारत का सबसे अमीर शहर है, तो सबसे अमीर शहर है भारत का मुंबई। दिल्ली का सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण पश्चिम एवं मध्य एशिया के शहरों से दूसरे नंबर पर आता है। नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कों, वृक्ष आच्छादित मार्गों और देश के कई शीर्ष संस्थानों और स्थल चिन्हों के लिए जानी जाती है। 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान 15 दिसंबर को शहर की नींव भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडमिन लुटेंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा तैयार की। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। ये थे नई दिल्ली के बारे में कुछ विशेष तथ्य जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको आप चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, हमारे पढ़ने के अलावा आप इसको खुद पढ़ करके भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे नई दिल्ली के बारे में कुछ तथ्य, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको खुद पढ़ लीजिए, हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला नगर। तो दोस्तों हमने देख लिया नई दिल्ली तक कुछ विशेष जानकारी, अब हम ज़्यादा किसी राज्य के बारे में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जल्दी से आपको हम दिखाते हैं लगभग 50 नगरों की स्थापना और उनके संस्थापक के नाम। चलिए देखते हैं आगरा, आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने, और दूसरा है इंदौर, इंदौर की स्थापना अहिल्याबाई द्वारा हुई थी। अगला है धार, धार महानगर की स्थापना राजा भोज ने किया था, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए आता है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने किया था, इसलिए इसका नाम तुगलकाबाद पड़ा। जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने किया था, इसलिए जयसिंह के नाम पर इसका नाम जयपुर पड़ा। सागर एमपी यानी इसका स्थापना उदालसे ने किया था। अगला है आपका लखनऊ, लखनऊ की स्थापना आसफुदौला ने किया था। अब देखते हैं लखनऊ के बारे में, क्योंकि लखनऊ जो है एक बहुत ही मायने रखता है यूपी के लिए और इंडिया के लिए भी। दोस्तों अब इस वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना करते हुए हम जल्दी से देख लेते हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं, जल्दी देखिए आगे, चलिए देखते हैं। आगरा, इंदौर, धार, तुगलकाबाद, जयपुर यहाँ तक हो सका था, और हमने देखा था सागर और लखनऊ। अब देखते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद की स्थापना अकबर ने किया था। झांसी, झांसी की स्थापना वीर सिंह जूदेव ने किया था। अजमेर, अजमेर की स्थापना अजयरा सिंह ने किया था। अगला है नंबर 15 उदयपुर, उदयपुर की स्थापना राणा उदय सिंह ने किया था, इसलिए इसका नाम उदयपुर पड़ा।
और टाटा नगर की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था, इसलिए इसका नाम टाटा पड़ा। भरतपुर की स्थापना राजा सूरज मंडल ने किया था। और अगला दोस्तों कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की स्थापना राजा कुंभा ने किया था। पटना की स्थापना उदयन ने किया। मुंगेर की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया। और नालंदा जो है राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया नगर है। रायपुर ब्रह्मदेव के द्वारा स्थापित किया गया नगर है। दुर्ग जो है जगतपाल। देहरादून राजा जॉन सारबाबर। और अगला है आपका पुरी, पुरी की स्थापना किया था गंगचोल ने। अब देखिए अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द्वारका, द्वारका की स्थापना शंकराचार्य ने किया था। जम्मू की स्थापना राजा जम्मू लोचन ने किया। पूना की स्थापना शाहजी भोसले ने किया। हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया। और अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। दिल्ली की स्थापना आनंद पाल तोमर ने किया। पांडुचेरी की स्थापना फ्रांसिस केरी ने किया। श्री गंगानगर की स्थापना गंगा सिंह ने किया था। और बीकानेर की स्थापना राव जोधा के पांचवें पुत्र ने किया, जिनका नाम था राव बिका। और चुरू की स्थापना चूहड़ा जाट ने किया था। ये थे कुछ प्रमुख नगर। अब आगे देखते हैं मित्रों, ध्यान से देखिएगा। अगला है 48, झालावाड़ा नगर की स्थापना जालिम सिंह ने किया था, इसलिए इसका नाम झालावाड़ा वाला। चित्तौड़गढ़ की स्थापना चित्रांगन मौर्य ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम चित्रौड़गढ़ पड़ा। प्रतापगढ़ की स्थापना महारावल प्रताप सिंह ने किया था, और प्रताप सिंह के नाम पर प्रतापगढ़ पड़ा। बांसवाड़ा की स्थापना जगमाल सिंह ने किया था। और डूंगरपुर की स्थापना डूंगर सिंह ने किया। सिरोही की स्थापना सासमल ने किया था। और इसी तरह से आपका राजसमंद की स्थापना महाराणा जय सिंह ने किया था। और आपका जो लास्ट वाला है मंडोर, मंडोर की स्थापना हरिश्चंद्र प्रतिहार ने किया था। तो ये थे कुछ नगर और कुछ उनके संस्थापक। दोस्तों ये वीडियो आपने देखा विद्या करियर क्लासेज के YouTube चैनल यानी PBR STD विद्या करियर क्लासेज कोचिंग का नाम है, जो कि ऑफलाइन चलती है। और आपको कोई अगर क्वेश्चन है तो आप इस कॉल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे दिखाया गया है। इसके अलावा आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय को हमारे WhatsApp नंबर 9793 और 488 और 448 इस पर भी भेज सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ और जानना है तो कमेंट करना नहीं भूलें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।